नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के अड़ियल रुख की, ममता के पीएम मोदी को दो टूक जवाब की, जानेंगे कि क्या दिल्ली में बिहार इफेक्ट से बीजेपी को होगा साइड इफेक्ट, क्या कांग्रेस के दाव से असम में मुरझाएगा कमल, और आखिर में बात मोदी सरकार की आंखों में खटके शिक्षा बजट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे को घेरने में जुटी आप और बीजेपी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी बोली, केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट बढ़ाया लेकिन एमसीडी का फंड केजरीवाल ने रोका। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा का बड़ा बयान, कहा नहीं लड़ूंगा राज्यसभा का चुनाव, सूबे में खाली होनी है राज्यसभा की 4 सीटें। स्वामी विवेकानंद की जयंती के बहाने सपा ने साइकिल रैली निकाल कर दिखाया दम, 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साइकिल यात्रा कर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा सरकार किसी की नहीं सुनती। बिहार में तेजस्वी यादव की नीतियों से खफा हुए आरजेडी के सीनियर नेता, रघुवंश सिंह के बाद अब शिवानंद तिवारी बोले, पार्टी में है कम्युनिकेशन गैप। और महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत को मिली टीम की कमान, 15 साल की शेफाली वर्मा भी टीम में शामिल। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है पश्चिम बंगाल से, जहां पीएम मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जहां पीएम मोदी सूबे में सेंध मारने की कोशिश करते नजर आए, तो वहीं उन्होंने नए कानून पर अपने अड़ियल तेवर भी दिखाए। पीएम मोदी के इसी रुख पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे ग्रुप एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वाति। राजीव जी, पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां नए कानून को लेकर अपने तेवर गर्म रखते हैं। आज भी पीएम मोदी नागरिकता को लेकर भरपूर ज्ञान देते नजर आए, लेकिन उन्होंने नरम पड़ने की जरा भी संकेत नहीं दिए। आप पीएम मोदी के इस रुख को किस नजर से देखते हैं? स्वाति, दरअसल मोदी जी ने बंगाल के दौरे के दूसरे दिन अपने भाषण से ये बता दिया है कि वे नागरिकता कानून के अपने फैसलों पर पूरी तरह से कायम हैं, बल्कि उन्होंने इसे गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर से भी जोड़ दिया। साथ ही देश भर के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों के विरोध के बावजूद ये कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और युवा ही इसे दूर कर रहे हैं। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वही कहा जो वो सुनना और दिखाना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा स्वाति कि अगर युवा इस फैसले के साथ हैं तो देश भर के छात्र सड़कों पर क्यों हैं? क्यों वे अपने भविष्य को दांव पर लगाकर सरकार से टकराने का जोखिम उठा रहे हैं? और अगर नागरिकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है तो सरकार इसे दूर करने के लिए क्या कर रही है? जिस तरह मोदी जी पश्चिम बंगाल पहुंचे और जनता के एक वर्ग से मुखातिब हुए, क्या वे विरोध करने वालों के बीच जाकर अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं दिखा सकते थे? क्या वे बंगाल की तरह असम नहीं जा सकते थे? लेकिन वहां वो नहीं जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ मोदी जी ने आज इतिहास पर भी बहुत सारा ज्ञान बघारा, लेकिन काश कि वे ये समझते कि भारत की अंतरात्मा उसके संविधान में बसती है, और अगर संविधान की मूल भावना को बचा लें तो संस्कृति, इतिहास और दर्शन सब बच जाएंगे। राजीव जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज साफ हो गया है कि पीएम मोदी अपने अहंकार के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वैसे उनके इस अड़गिल रवैये का जवाब तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अपने आक्रामक तेवर से दिया है। जी हाँ, लाख अटकलों के बावजूद आज सीएम ममता ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया, जिससे साफ हो गया कि अगर पीएम की हुंकार है तो ममता भी तैयार है। सियासत में नेता एक दूसरे के चाहे कितने भी दुर्विरोधी क्यों ना हो, लेकिन जब पीएम मोदी के लिए मंच सजता है तो उसमें सीएम को पहुंचना पड़ता है। मगर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में शिरकत ना करके साफ कर दिया कि अगर पीएम की हुंकार है तो ममता की भी ललकार है। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी को भी बुलावा भेजा गया, जिसे लेकर पहले कहा जा रहा था कि ममता कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उन्होंने विपक्ष का साथ देने के बजाय बीजेपी की ओर अपना रुख नरम कर लिया है, लेकिन आज ममता ने कार्यक्रम में ना पहुंचकर साफ कर दिया कि बीजेपी के खिलाफ ना उनका रुख बदला था और ना ही बदला है। इसलिए तो पीएम मोदी के कोलकाता दौरे के पहले दिन जब ममता ने उनसे मुलाकात की तो सीधा नागरिकता का मुद्दा उठाया, जिससे बेचैन पीएम मोदी ने बात को गोलमोल घुमा दिया।
लेकिन सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर इतनी आसानी से पीछे कहां हटने वाली थीं, इसलिए तो शनिवार को मुलाकात के बाद वो सीधा धरने में शामिल होने के लिए पहुंच गईं और मोदी सरकार पर तीखे तीर छोड़े। ममता का ये रुख पीएम मोदी की उस पॉलिटिक्स पर है जिसके तहत वो बार बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर बीजेपी के कदमों को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी एक चाल चलेगी तो टीएमसी भी उसे मात देने में पीछे नहीं हटेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाता जा रहा है। वैसे पारा तो इस वक्त दिल्ली का भी चढ़ा हुआ है जहां 8 फरवरी को चुनाव होंगे। इस बार मुकाबले में ना सिर्फ आप बीजेपी और कांग्रेस है बल्कि बिहार के राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं। तो कौन कौन सी पार्टियां आजमा रही हैं अपनी किस्मत और इसका सबसे ज्यादा बीजेपी पर क्यों पड़ेगा असर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय होने वाला है क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। भले ही सत्ता की रेस में ये तीनों दल आगे चल रहे हो, लेकिन बिहार के क्षेत्रीय दल भी इस बार चुनावी मैदान में कूदकर सियासी समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा करने वाले हैं। इस बार चुनाव में जहां जेडीयू अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा तो वहीं बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी ताल ठोकने का मन बना चुकी है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी दिल्ली में अपना दमखम दिखाने की रणनीति बना रही है। इन सभी दलों की नज़र पूर्वांचल के लोगों का वोट बटोरने पर है। बिहार की इन क्षेत्रीय पार्टियों के मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए खड़ी होने वाली है क्योंकि मौजूदा दौर में बीजेपी पूर्वांचली वोटों को साथ कर दिल्ली की सियासी जमीन पर वापसी करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 1.75 करोड़ आबादी वाली दिल्ली में करीब 30 से 35% पूर्वांचल के लोग हैं। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, गोकुलपुर, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसे विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका में है। दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं को बीजेपी ने अपने साथ जोड़े रखने के लिए मनोज तिवारी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तिवारी बीजेपी में पूर्वांचली चेहरा माने जाते हैं। यहां तक कि एमसीडी के चुनाव में भी बीजेपी ने पूर्वांचलियों के सहारे अपनी नैया पार लगाई थी, लेकिन अब की बार जेडीयू के अकेले चुनाव में उतरने और साथ ही आरजेडी और हम के भी चुनावी ताल ठोकने से बीजेपी के लिए सत्ता के सफर में और रोड़े अटकने वाले हैं। यानी साफ है कि बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना आसान नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे पूर्वांचलियों को फिर से साथ पाती है। दिल्ली में बीजेपी सोच रही थी कि वनवास खत्म करने के लिए उसका सामना केवल आप और कांग्रेस से है, लेकिन बिहार के राजनीतिक दलों के मैदान में उतरने से बीजेपी की राह में और रोड़े अटकने वाले हैं। वैसे बिहार में भी उसकी राह में कांटे कम नहीं क्योंकि सहयोगी ही अब पार्टी को आंख दिखाने लगे हैं। जी हाँ, एलजेपी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी के हाथों जब से महाराष्ट्र और झारखंड निकला है उसके सहयोगी दल उसे आंख दिखाने में लगे हैं। अभी तक तो बिहार में सिर्फ जेडीयू ही इशारों में खुद को बड़ा भाई बताकर बीजेपी का कद घटाने में लगी थी, मगर अब एलजेपी ने भी सीटों पर दावेदारी ठोक कर सीट बंटवारे से पहले ही झमेला खड़ा कर दिया है। दरअसल एलजेपी इस बार 43 सीटों पर दावेदारी चाहती है। एनडीए के मुख्य घटक दल एलजेपी ने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव में उसे 43 सीटें चाहिए। एलजेपी सांसद और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनकी पार्टी साल 2015 में भी 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए सीटों के बंटवारे में एलजेपी को इस बार भी इतनी ही सीटें चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई पारस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, इसलिए इस बार भी उनकी पार्टी उतनी ही सीटें चाहती है, उससे कम सीटें उन्हें मंजूर नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि एलजेपी ने 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो अपनी तैयारी जोरों पर रखें। यानी साफ है कि एलजेपी ने सोच लिया है कि अगर बीजेपी नहीं मानी तो आने वाले दिनों में वो अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। वैसे झारखंड में भी एलजेपी ने बीजेपी को आंख दिखाई थी, वहां भी सीटें ना मिलने पर एलजेपी अकेले मैदान में उतरी थी। ऐसे में बिहार की सियासत क्या करवट लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से लेकर बिहार तक सहयोगी बीजेपी की धड़कनों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपनों से कैसे निपटती है। फिलहाल तो बीजेपी को असम में कमल को मुरझाने से बचाना है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति से सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। अक्सर बीजेपी दूसरे दलों को तोड़कर खुद की सरकार बनाती है। गोवा, कर्नाटक, मणिपुर बीजेपी की जोड़ तोड़ की रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन अब यही रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है
क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने के लिए अब उसी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने असम से की है। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी छोड़ने और उनकी पार्टी के समर्थन से नई सरकार बनाने की पेशकश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैकिया ने कहा कि नई सरकार मोदी सरकार के फैसलों के साथ नहीं है, ऐसे में उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मोदी सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने सोनोवाल को ऐसा ऑफर दे दिया जो बीजेपी के कमल को मुरझा सकता है। कांग्रेस नेता सैकिया ने कहा कि अगर सोनोवाल अपने विधायकों के साथ बीजेपी छोड़ते हैं तो उनकी पार्टी सरकार बनाने में सोनोवाल मदद करेगी और नई सरकार में वो ही मुख्यमंत्री होंगे। असम में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोनोवाल को भाजपा छोड़ देनी चाहिए और अपने 30 विधायकों के साथ सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। हम असम में बीजेपी विरोधी सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन करेंगे, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। उसमें साल 2016 में असम गण परिषद और बीवीएफ के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब जहां एक तरफ असम गण परिषद उसका साथ छोड़ चुकी है तो वहीं कांग्रेस ने उसके दुखती रख पर हाथ रखते हुए सीएम सोनोवाल को ही बीजेपी का साथ छोड़ने का ऑफर दे दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो वाकई मोदी सरकार के खिलाफ जाते हैं, क्या असम में भी बीजेपी का कमल मुरझाता है। असम में केंद्र और राज्य सरकार में चल रही अनबन का फायदा उठाकर सीएम सर्बानंद सोनोवाल को कांग्रेस ने जो ऑफर दिया है, अगर वो वाकई उसे मान लेते हैं तो एक और राज्य से भगवा रंग उतर जाएगा। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता उद्धव सरकार को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। महाराष्ट्र से पिछले दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी के विधायक शिवसेना के संपर्क में है, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी थी। इन सबके बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने भी हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 56 शिवसेना विधायकों में से 35 अपने पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं, जो जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को राज्य में सरकार बनाने में 5 हफ्ते से ज्यादा का समय लग गया, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अब सूबे में बीजेपी की वापसी होने वाली है। शिवसेना के असंतुष्ट विधायक बीजेपी का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि ये विधायक उद्धव ठाकरे के वादों से नाराज हैं। उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वो खोखला निकला। इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर कोई समय सीमा नहीं है। औरंगाबाद में भी उद्धव ठाकरे किसी भी योजना की घोषणा किए बिना और क्षेत्र को कोई धनराशि दिए बिना वापस आ गए। ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उन्हें सरकार चलाने के बारे में कुछ भी पता नहीं। आपको बता दें कि नारायण राणे बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन राणे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत शिवसेना से की थी। शिवसेना में रहने के दौरान वो सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मनमुटाव के चलते उन्होंने शिवसेना का दामन छोड़ दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन कांग्रेस में भी जब उनकी ज्यादा नहीं चली तो उन्होंने हाथ का साथ छोड़ दिया। इसके बाद साल 2017 में ही वो बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, मगर उस वक्त भी शिवसेना ने कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अलग महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष पार्टी बना ली। इसके बाद राणे हाल ही में बीजेपी की मदद से चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे, जिसे लेकर शिवसेना और बीजेपी में काफी तूतू मैमे देखने को मिली। वहीं अब दोनों का साथ छूटने के बाद राणे शिवसेना की परेशानी बढ़ाने वाला बयान दे रहे हैं, हालांकि शिवसेना ने तमाम खबरों को खारिज कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मोदी सरकार की आंखों में खटके शिक्षा बजट की। मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना दूसरा बजट पेश करेगी। इस बजट से जनता ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन सरकार कई योजनाओं के बजट को बढ़ाने की बजाय कम करने की तैयारी में है, जिसे लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मोदी सरकार पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया का नारा तो लगाती है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती। क्या शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए केवल नारे ही काफी हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार जमीनी स्तर पर शिक्षा का बजट कम कर उसे कमजोर बनाने का काम कर रही है। कहा जा रहा है कि अब के बार स्कूल शिक्षा के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की कटौती की तैयारी की गई है। इस कटौती को लेकर जहां विपक्ष से घेर रहा है, तो वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बार शिक्षा बजट में 3,000 करोड़ रुपए की फंडिंग कम करने वाली है। केंद्र सरकार पहले से ही इसके लिए बेहद कम फंड मुहैया कराती है। शिक्षा व्यवस्था सरकार के अधीन आती है, इसमें अधिकतर फंडिंग सरकार की ही होनी चाहिए। 3,000 करोड़ रुपए की कटौती समुद्र में एक बूंद के समान है।
आपको बता दें कि अभिजीत बनर्जी से पहले विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरा था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार देश की बुनियाद को हिलाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने कभी जनता के भलाई के लिए कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उसे परेशान करने के लिए जरूर कड़े निर्णय ले रही है। शिक्षा बजट में कटौती की खबरों पर लगातार मोदी सरकार की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया। अब अगर वाकई सरकार ने बजट में कटौती का ऐलान कर दिया तो जाहिर है कि इस पर सियासी पारा तो चढ़ेगा ही। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।